हेलो फ्रेंड्स, नीलम कुकिंग खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो या भगवान को भोग चढ़ाना हो तो ये गेहूं के आटे के बहुत ही स्वादिष्ट गुलगुले हम बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही हम इजी तरीके से ये गुलगुले बनाना स्टार्ट करते हैं। गुलगुले बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल का मेजरमेंट लिया है और सेम इसी कटोरी से हम डेढ़ कटोरी पानी डाल देंगे। जब पानी उबलने लगे तो हम इसमें सेम उसी कटोरी के मेजरमेंट से एक कटोरी गुड़ का पाउडर डाल देंगे। अगर आपको गुड़ की जगह चीनी डालना है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए हम इसमें 2 से 3 कुटी हुई इलायची डाल देंगे। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब हम इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डाल देंगे। अब हम आटे को मिक्स करेंगे। हमें तब तक मिक्स करना है जब तक इसकी गांठें ना खत्म हो जाए। हमें सेम इसी तरह से सेमी थिक बैटर तैयार कर लेना है। गुलगुले का बैटर एकदम तैयार हो गया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट होने के बाद हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम बैटर को हाथ में लेंगे और गोल शेप देते हुए हम तेल में डाल देंगे। गुलगुले तेल में डालने के बाद हम करछी से अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे। गुलगुले हल्के से पक जाएंगे तो अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। अब हम एक करछी की मदद से गुलगुलों को पलट देंगे। हम गुलगुले को लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि गुलगुले कितने अच्छे से पक गए हैं और कलर भी कितना सुंदर आया है। अब हम इसी समय एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के और सारे गुलगुलों को हम निकाल लेंगे। अब सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा बैच भी तल लेते हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स आपने, कितनी आसानी से हमने गुलगुले बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे भगवान के भोग को चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी ये चाशनी वाले गुड़ के गुलगुले जरूर बनाइए।